जीवन की मूलभूत सुविधा भी जब इंसान को ना मिल पाए तो किस बात के लिए चुनाव, मतदान और सरकार। एक नाकाम सरकार की तरफ इशारा कर रही है जमुई के मलयपुर की स्थिति, जो जमुई जिला मुख्यालय के मात्र 5 से 6 किलोमीटर दूरी पर है। आजादी के 70 साल बीत चुके हैं और आज भी यहाँ के लोग नदी से पानी पीने को मजबूर है। जमुई वही धरती है जिसने मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक देने का काम किया, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ सिर्फ हवा हवाई वादे ही जनता को मिले। यहाँ के सांसद हमेशा खुले मन से डबल इंजन की सरकार की बात किया करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या डबल इंजन की सरकार विकास सिर्फ पेपर पर ही कर रही है? वास्तविकता में विकास क्या हुआ है जमुई की धरती पर, वह आप खुद ही देख सकते हैं। वहीं यहाँ के ग्रामीण लोगों से बात करने पर उन्होंने अपना दुख बताया कि भरल भादो सूखल जेठ यह लोग हमेशा नदी पानी का ही उपयोग करते हैं। यहाँ पर नहाने से लेकर शौचालय तक नदी के पानी से ही काम करना पड़ता है यहाँ के निवासियों को। ऐसे में स्वच्छ भारत अभियान की क्या बात की जाए जब स्वच्छ पीने को पानी नहीं मिल रहा है। यहाँ के नेता और मंत्री, सांसद चुनावी मौसम में वादे तो हजार करते हैं, लेकिन धरातल पर दिखता क्या है वह खुद ही आप देख सकते हैं। आखिर क्या करते हैं यहाँ के नेता और मंत्री, विधायक, सांसद, जब चिलचिलाती धूप में लोग गले की प्यास बुझाने को नदी को दौड़ लगाते हैं। यहाँ तक कि बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़ सुबह सुबह नदी से पानी भरने को जाते हैं। आप देख सकते हैं छोटी छोटी बच्ची किस तरह से अपना घर चलाने के लिए, अपना खाना और प्यास बुझाने के लिए पढ़ाई छोड़ नदी में लगी हुई है। आखिर ऐसे में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैसे सफल होगा? इतनी मुश्किलों को देखते हुए तो यही कह सकते हैं कि जमुई में सारी योजनाएं केवल जुमला ही बनी हुई है। अभी तक इस जगह की किसी ने न सुध ली है, न किसी को इनकी स्थिति को बेहतर करने की चिंता है। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से यही कोशिश कर रही हूं कि प्रशासन का ध्यान इस जगह की ओर जल्द से जल्द जाए और यहां भी विकास धरातल पर नजर आने लगे।